देश भर में आज के दिन को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में शहर का कमाटी बाग, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प भूमि स्थल है, वहां पर भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप भाई परमार की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संकल्प दिन के तौर पर मनाया जाता है। शहर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से संकल्प दिन को मनाया जा रहा है। 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कमाटी बाग स्थित वड़ के पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प किया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी के दौरान शोषित, पीड़ित और दलितों के हक के लिए लड़ेंगे। उसी के तहत शहर के कमाटी बाग संकल्प भूमि स्थल पर आज भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से संकल्प दिन को मनाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप भाई परमार भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस मौके पर शहर के मेयर के यू रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, वडोदरा शहर भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह, शहर भाजपा महामंत्री सुनील भाई सोलंकी और अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ जय भीम, जय भीम, भारत माता की, माता की, वंदे अजय दलितों मसीहा भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब आंबेडकर अरे जे संकल्प भूमि में जो संकल्प करे तो ये संकल्प भूमि ना आज दर्शन करवानो प्रसंगे मने प्राप्त थयो छे, जेनाथी खूब आनंदित छु कि आवा महान पुरुषना चरणों में आज वंदन करने प्रसंग बनो एने हूँ एमने श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छूँ। बाबा साहेबे जे बात करी से ये भारतीय जनता पार्टीए बाबा साहेब ने खूब सन्मानपूर्वक आज संकल्प भूमि बनावा जा रही है। गुजरात की अमारी भारतीय जनता पार्टी सरकारे खूब मोटी राशि लईने जे प्रकार समग्र देश अने दुनिया में पंचतीर्थ जे नामे ओळखाय छे एवी एक भूमि जयरे बाबा साहेबना नामे समग्र विश्व में प्रचलित थवानी त्यारे आ प्रसंगे खास अमदावादथी तेमना वंदन अने श्रद्धांजलि पाठवा आव्यो छुं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।